खबर सीकर से, जहां दुल्हन अपहरण से जुड़ा है मामला। जी हां, सीकर में बंद को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। शहर में जगह जगह पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। प्रशासन ने इंटरनेट सेवा भी शाम 5 बजे तक बंद कर दी है। और जाट समाज ने किया था सीकर बंद का आह्वान। आपको बता दें कि कलेक्टर आवास के आसपास भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर में जगह जगह पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। और साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए इंटरनेट सेवा भी आज शाम 5 बजे तक बंद कर दी है। जाट समाज ने किया था सीकर बंद का आह्वान। और इसी के मद्देनजर कलेक्टर आवास के पास भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दुल्हन अपहरण से जुड़ा ये मामला है, जिसमें आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। और साथ ही बंद को देखते हुए प्रशासन ने कई पुख्ता इंतजाम किए हैं। जगह जगह पुलिस का जाब्ता भी तैनात कर दिया गया है प्रशासन ने। साथ ही आपको बता दें कि 5 बजे तक इंटरनेट सेवा भी सीकर में बंद कर दी है। जाट समाज ने किया था सीकर बंद का आह्वान। और इसी को देखते हुए सुरक्षा के भी अब पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे कि कोई भी चूक ना हो सके। कलेक्टर आवास के आसपास भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं। दुल्हन अपहरण से जुड़ा ये मामला है, जहां जाट समाज ने बंद का आह्वान किया है। और इसी के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के देखने को मिल रहे हैं सीकर में। जगह जगह पुलिस का जाब्ता तैनात है, जिससे किसी भी तरीके की चूक ना हो सके प्रशासन की तरफ से। और साथ ही 5 बजे तक इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। सीकर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां दुल्हन अपहरण से जुड़ा मामला है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता आनंद फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी आनंद, बताए क्या कुछ है ये पूरा मामला। लवीना, मैं आपको बताना चाहूंगा, दुल्हन अपहरण मामला दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। दुल्हन बरामदगी की मांग को लेकर पहले राजपूत समाज ने आंदोलन किया था, तो अब जाट समाज सड़कों पे आ गया है। जाट समाज का आरोप है कि पुलिस दबाव में आकर जाट समाज के युवकों को अपहरण और डकैती के मामले दर्ज कर फंसाना चाहती है, जबकि दुल्हन स्वयं अपनी मर्जी से उनके साथ गई थी। अब जाट समाज के लोगों ने सीकर बंद करवाया, जो पूर्णतः सफल रहा है। और हजारों की तादाद में जाट समाज के लोग जाट बाजार में एकत्रित हो रखे हैं। और उनकी मांग है कि पूरे प्रकरण की जांच CBCID से कराई जाए, और जब तक मांग नहीं मानी जाएगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। जी लवीना, आनंद ये बताएं कि अब क्योंकि मांग कर रहे हैं, तो क्या कुछ संभावना है, कब तक ये पूरा मामला शांत हो पाएगा? देखने वाली बात यह है कि जैसे पुलिस ने भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता वार तैनात किया है, तो लगता नहीं कि कोई समस्या का समाधान निकल पाएगा। लेकिन पुलिस पूरी तरह साफ सोबंद है, ताकि किसी भी स्थिति में से निपटा जा सके। और देखना यह है कि प्रशासन की तरफ से कोई पहल हो पाती है या नहीं। जी आनंद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीकर से आपको खबर बता रहे थे, जहां पर सीकर बंद का आह्वान किया गया है जाट समाज की तरफ से। और इसी को देखते हुए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस जाब्ता हर जगह तैनात किया गया है। और साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी आज शाम 5 बजे तक बंद कर दी गई है। देखने वाली बात है कि इस पूरे समस्या का समाधान कैसे हो पाता है। दुल्हन अपहरण से जुड़ा ये मामला है। सीकर में बंद को देखते हुए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। आपको बता दें कि शहर में जगह जगह पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद है। और मांग की जा रही है जाट समाज की तरफ से। और इसी के मद्देनजर आज सीकर बंद का आह्वान किया गया है। सीकर दुल्हन अपहरण से जुड़ा ये मामला है, जहां अब जाट समाज के लोग मांग कर रहे हैं